हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और मैं आपको इसे बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसे हेल्थी तरीके से बना सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करते हैं तब भी ये रेसिपी आप बना सकते हैं। और इसे बनाने में जो घंटों लगते थे, अब मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि आप मिनटों में ये पाव भाजी बना लेंगे। और भाजी बनाने में जो भी हमें समय लगता था, समय भी बचेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एकदम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी हम बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बना लेंगे। हमारा समय का भी बचत होगा और ये एक हेल्थी रेसिपी भी है। तो कैसे आप इसे हेल्थी बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, एकदम स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी हमने बनाई है यहाँ पे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम अभी डालेंगे थोड़ा सा बटर और तेल मिक्स करके, क्योंकि बटर बहुत जलता है। आप चाहें तो सिर्फ तेल से भी बना सकते हैं और चाहें तो सिर्फ बटर से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तेल और बटर मिक्स करके लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है बटर। मेन जो पाव भाजी बनती है वो बटर से ही बनती है। तो मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ हम लहसुन डालेंगे। तो अदरक लहसुन मैंने दोनों डाल दिया है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अदरक लहसुन अगर ग्रेट करके डालें तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फटाफट हमने यहाँ पे प्याज डाल दिया है, बारीक कटा हुआ, रफली चॉप्ड कर लिया था मैंने प्याज को। प्याज का कलर चेंज हो जाए ऐसे भूनते भूनते, तब हम अपनी सब्जियाँ डालेंगे। तो ये देखिए, मैं प्याज को भून रही हूँ और इसका ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है ना, तो मैं यहाँ पे डालूँगी हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही कम मसाले से हमारी पाव भाजी की भाजी तैयार होगी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आलू। तो बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने आलू डाल दिया। इसे हम एक दो बार चलाएँगे आलू को, ये देखिए। और यहाँ पर हम अपनी बाकी सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डालूँगी गाजर। सर्दियों के सीज़न में सारी सब्ज़ियाँ बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है। तो यहाँ मैंने फिर से डाला बीटरूट और शिमला मिर्च। तो आप रफली काट करके ही सब्ज़ियाँ डालें। फिर मैंने डाला है फूलगोभी। बीटरूट से ना पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। आप यहाँ पर बीन्स और पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। फिर मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाल दिया है 2 टेबल स्पून के बराबर, और पानी डाल दिया है। तो देखिए, मैंने सारा कुछ अभी डाल दिया है। हम इसे हल्के हाथों से ऊपर नीचे करेंगे। ये अभी बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये एकदम गल जाएगी। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप कम बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बॉयल करके भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा मटर डाल दिया है। अगर आपके पास ताजे मटर नहीं है तो आप फ्रोजन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चे के लिए भी ये हेल्थी है, आप कम तेल बटर में इसे बनाएं तो ये बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। वैसे जो लोग बटर पसंद करते हैं उसे ये पाव भाजी खाना बहुत पसंद है, ढेर सारा बटर डाल के। तो यहाँ देखिए, 4 सीटी मैंने लगाया था। 4 सीटी के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला है, तो सब्जी अच्छे से गल गई है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से पाव भाजी मैसर से, पोटैटो मैसर से, या फिर जो पराठा बनाने के लिए ठेपनी होता है ना, उससे इस तरीके से या ऐसे कर लेंगे, मैश कर लेंगे। तो अच्छे से हो गई है। अब मैं एक तरीका आपको बताती हूँ जिससे उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म किया है, थोड़ा हम बटर डालेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है, मैंने थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, और साथ में मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये आपको एकदम स्ट्रीट स्टाइल कलर देगा। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कसूरी मेथी डाला है। अब हम इसे थोड़ा धीमी आंच पे भून लेंगे ताकि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 2-3 मिनट भूने टमाटर को इस तरीके से कर ले। फिर हम अपना पाव भाजी मैसर या पोटैटो मैसर, जो भी आप कहते हैं, उस तरीके से एक बार इसे कर लेंगे। और सारी जो भाजी उबली हुई थी हमने घोंट के रखा था, उसे हम डाल देंगे। अभी देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा आएगा। आप चाहे तो जैसे कुकर में था आप उस तरीके से भी खा सकते हैं। ये दूसरा स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको एकदम चाहिए एकदम सुंदर सा कलर आ जाए तो आप इस तरीके से करें। और अगर आपको पाव भाजी की भाजी थोड़ी सी गीली चाहिए, मतलब थोड़ी पतली चाहिए, तो आप गर्म पानी डालें। मैंने नींबू का रस और धनिया पत्ता डाला है लास्ट में। और हम अभी क्या करेंगे, इस गैस के आँच को बंद कर देंगे और इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही जल्दी बन गई है। और इसका टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, एकदम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल आया। तो अब हम पाव सेकेंगे। तो मैंने यहाँ पे आयरन का तवा ले लिया, आप नॉनस्टिक तवा भी ले सकते हैं। थोड़ा मैंने बटर डाला है और थोड़ा पाव भाजी मसाला डाला है। वेट लॉस में है तो आप बटर ना डालें। तो ये देखिए, मैं पाव को इस तरीके से कर लूँगी और फिर दोनों तरफ सेक लूँगी। तो देखिए, मैं ऊपर में भी थोड़ा सा बटर डाल दे रही हूँ। तो बटर डाल के मैं
थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऊपर से भी डाल दूँगी टेस्ट के लिए, और इसे दोनों तरफ से पलट के सेक लूँगी ताकि ऊपर की सतह है ना एकदम थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। देखिए उल्टी साइड में हो गई है, तो मैं फिर से पलट के सेक लूँगी। इसे हम सर्व करेंगे, तो इसे हम सर्व करेंगे बारीक प्याज के साथ, नींबू के साथ, आप अचार भी ले सकते हैं। तो यहाँ पाव भाजी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।